देखिएगा स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 13.8। 13.8 जो बेस्ड है आपकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये मैंने सब आपको पढ़ा रखा है आपकी सबसे पहली वीडियो में, ठीक है। जो आपको बेसिक वीडियोज मैंने सारी फॉर्मूले वाली कराई है, सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा अगर आपको फॉर्मूलों में कन्फ्यूजन हो तो। तब आप देखिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और सेकेंड पार्ट में आपको ये दे रखी है उसने। तो आप देखिए बच्चों, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। तो 4/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7 थ्री टाइम्स लिख लिया क्योंकि क्यूब है। अब आप देख सकते हैं एक सेवन आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, नीचे 3 एज इट इज आपका यहाँ आ गया। अब आप देखिए 4/22 से की तो आपने कितना है 88, और ये आपका कितना है 49। अब यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 88 की 49 से कर दी तो आपका इतना आ गया, और नीचे आपका 3 है। और अगर आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता था मैं आपको याद दिला दूँ, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो आप देखिएगा 4, 3 और क्या है आपका 1, 2, और 3 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 3 × 1 = 3, 1 बचा 3, 4 = आपका 12 हो गया, कितना आपका 1, और ये 1 आया, 3 × 3 = आपका 9 हो गया। स्टूडेंट्स आपका कितना बचा 2, और 2 और 3 × 7 = कितना आपका 21 हो गया। तो ये बचा आपका, तो ये तो आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर, और जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन सेम रहता है हमेशा। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, और सेकेंड पार्ट आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया बच्चों। अब आप देखिएगा इसमें ना मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा इस एक्सरसाइज में। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। तो एक तरह से आपसे क्या पूछा है उसने, इस बार कैपेसिटी पूछी है ना, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा, जितनी कैपेसिटी होगी, उतना ही रिमूव कर पाएंगे किसको, वाटर को, कोई भी सॉलिड हो, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें क्या है आपका, ये आपको डायमीटर दिया है इस बारी, तो डायमीटर आपका 28 है, तो रेडियस कितनी हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर हो गई स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हुआ आपका 4/3 πr³ हो गई, कितना हुआ आपका 4/3 πr³ हो गई। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें 4/3 × 22/7 × 14 × 14 × 14। अब यहाँ पर आपने क्या किया, आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों, ये 7 से इसको कट किया तो 2 आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो 88, और आपकी इन तीनों की मल्टीप्लाई हुई तो आपका 392 आ गया। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, ये रही आपकी मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, आप 3 से इसको डिवाइड किया तो मिक्सड फ्रैक्शन में ये आया। लेकिन आपसे तो उसने पूछा ना कितना वाटर होगा, तो यहाँ लिख लीजिए आप इसमें क्या आपका अमाउंट ऑफ वाटर या डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, आप लिख सकते हैं कि आपका डिस्प्लेस्ड वाटर। अभी आप देखिएगा कि डिस्प्लेस्ड वाटर या वाटर को किस क्वांटिटी में देंगे या किस यूनिट में देंगे हम, तो हमें पता है कि क्या आपका ये हो गया 982/3, कितना आपका इंटू में 1000 कर लिया आपने, तो इतने लीटर। अब बच्चे सोचेंगे सर 1000 की मल्टीप्लाई हम कैसे करें, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इतने लीटर, आप क्या लिख सकते हैं इसमें, बल्कि सॉरी सेंटीमीटर क्यूब है तो डिवाइड में आएगा आपका 1000, क्या आएगा आपका डिवाइड में, तो इतने लीटर। या अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको ml में भी लिख सकते हैं, या 1000 से डिवाइड भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, आप वापस से यही लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 से इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से लिख लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा कितना 34.496/3 में कितना आपका 3 लीटर, ये लिख सकते हैं आप। और जो सेकंड पार्ट है आपका वो होमवर्क हो गया आपका। देखिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, ये आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, तो मास पूछ रहा है, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 g/cm³, या आप कह सकते हैं कि 1 cm³ में कितना वेट है आपका या कितना मास है, 8.9 ग्राम है। तो आप देखिए यहाँ पर डायमीटर आपको कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपने फाइंड कर ली 2.1 सेंटीमीटर का हाफ करके। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ आपने फाइंड कर लिया, 4/3 × 22/7 × 2.1 × 2.1 × 2.1, तो 7 से और 3 से कट किया तो 0.1 आएगा, है ना, 2.1 का। अब आप देख सकते हैं कि आपने इन तीनों की मल्टीप्लाई कर ली तो ये आया, और इसकी की तो ये आया। अब इसकी क्या कर लेंगे हम, ये डबल मल्टीप्लाई कर ली हमने, तो फाइनली इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया है स्टूडेंट्स आपका, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आ गया वॉल्यूम।
बट उसने तो मास ऑफ द बॉल पूछा है ना, तो मास कितना होगा आपका, 8.9 इंटू दिस इतने ग्राम है ना, तो आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो इतने ग्राम आ गया आपका, और ये आपने लिख दिया अप्रोक्स में। कैसे? क्योंकि आपने वन और टू को छोड़ दिया है, तो वन और टू को छोड़ दें तो अप्रोक्स लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर हमने कहाँ किया था, जो हमारी एक्सरसाइज थी स्फेयर और हेमी स्फेयर से रिलेटेड, सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है। तो हमने वहां पर किया था ये, कौन सी एक्सरसाइज में आपका, 13.4 एक्सरसाइज में। तो आप देखिएगा द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल उसी की तरह दे रखी है लैंग्वेज यहाँ तक। अब आपसे उसने पूछा क्या है, वॉट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। वहां पर वॉल्यूम ऑफ मून का वॉल्यूम ऑफ अर्थ से पूछा था क्या, सरफेस एरिया का रेशियो, लेकिन यहाँ पर किसका पूछा है, अर्थ का मून से। तो आप देखिएगा डायमीटर ऑफ अर्थ को मैंने डिलीट कर लिया, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो गई, d/2। और डायमीटर ऑफ मून कितना है आपका, डायमीटर ऑफ मून उसने बोला है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि इसका 1/4, यानी कि अपॉन में 4 आ गया। और अगर मुझे रेडियस ऑफ मून चाहिए तो इसका आधा करना पड़ेगा, आधा करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो आप देखिए d/8 हो गया आपका। अब आप देखिएगा ऊपर आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और नीचे लिखना है आपने क्या, वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखना है आपने नीचे, वॉल्यूम ऑफ द मून, ऊपर वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, नीचे वॉल्यूम ऑफ द मून, तो 4/3 πr³, ई इसलिए कि अर्थ के लिए है, और ये m³ यानी कि आपका मून के लिए, तो 4/3 से 4/3 गए, पाई से पाई गया, तो ये r बचे सिर्फ दोनों, इसकी वैल्यू d/2 की होल क्यूब हो गई, इसकी d/8 की होल क्यूब हो गई। अब आप देख सकते हैं ये d³, ये आपका 2 यानी 8³ हो गया, यहीं से कट कर सकते थे इसको चाहते तो 4 आ जाता आपका, ठीक है, लेकिन देख लीजिए ध्यान से, कोई नहीं, ये 8 आ गया और ये d³, और ये आपका 8 की क्यूब आपके ये आ गई, ये कैंसिल आपका, ये ऊपर गया आपका और ये नीचे ही रहा, इससे इसको कट करेंगे तो 16:1। उसने फ्रैक्शन पूछी तो मैंने फ्रैक्शन में आंसर दे दिया कि 16:1 आ रहा है, यानी 16/1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। अगर एक बाउल है हेमिस्फेरिकल शेप में, उसका डायमीटर इतना है, तो उसके अंदर कितने लीटर क्या आ सकता है, मिल्क होल्ड हो सकता है। तो डायमीटर आपका 10.5 सेंटीमीटर है, रेडियस आपने फाइंड की तो 10.5/2, ये पॉइंट हटाए, नीचे 0 बढ़ाया, 5 से कट किया तो ऊपर 21, नीचे 5 से कट किया तो 4, तो 21/4 सेंटीमीटर आ गया आपका क्या, रेडियस। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2/3 πr³, तो 2/3 इंटू में 22/7 इंटू 21/4, 21/4 इंटू 21/4। अब आप देख सकते हैं 7 से इसको कट किया 3, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया आपका, इससे कट किया तो 2 आया, और 2 से इसको कट किया तो 1, और फिर 2 से इसको कट किया तो 11 आपका, तो आप देख सकते हैं 11 बचा, और 21 का 21 से होता है तो क्या आएगा आपका, 21 का स्क्वायर 4, 4, 1, और नीचे 4, 4 16 हो गया आपका स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो मल्टीप्लाई करके ये आया, 16 से इसको डिवाइड करेंगे आप तो इतना आ रहा है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका कितना अप्रोक्स, लेकिन आपको तो लीटर बताना है ना, तो आप देखिए कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेयर या हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, बात एक की है, तो क्या किया आपने, 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो पॉइंट्स आपके कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया, मैंने आगे के 1/8 छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये अप्रोक्स में लिखना पड़ेगा आपने अगर छोड़ा है तो। देखिए आप इसमें 6th क्वेश्चन में, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, आयरन शीट का बना हुआ है 1 सेंटीमीटर थिक, जिसकी थिकनेस कितनी आपकी 1 सेंटीमीटर है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अगर उसकी इनर रेडियस कितनी हो आपकी 1 मीटर हो, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो आप देखिएगा इसका मतलब एक तरह से उसने दिया है आपका होलो हेमिस्फेयर, तो थिकनेस आपकी 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं मीटर में करूँ तो 1/100 मीटर या 0.01 मीटर आ गई आपकी। इनर रेडियस आपके कितनी है 1 मीटर, और आउटर रेडियस कितनी हो जाती है आपकी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो आपकी आउटर रेडियस कितनी आ गई, ये 1.01 आ गई आपकी। अब आप देखिएगा वॉल्यूम ऑफ द आयरन या वॉल्यूम ऑफ क्या आपका, होलो हेमिस्फेयर, तो होलो हेमिस्फेयर का क्या बताया था मैंने आपको, 2/3 πr³ - r³। अब आप देख सकते हैं 2/3 एज इट इज, और ये 22/7, और आपने इसकी क्यूब लिखी ये आपको अलग से निकालनी पड़ेगी बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 1³ तो 1 ही होती है, इसमें से ये गया तो ये बचा आपका, और इधर क्या किया आपने, ये इसकी इससे मल्टीप्लाई, नीचे इसकी इससे, ये आ गया आपका,
अब आपने 44 की सम मल्टीप्लाई की तो ये आया, और अब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में आपका ये आएगा, एग्जैक्टली नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये आपका अप्रोक्स में कितना है, ऐसे इसको कैंसिल करने पर अप्रोक्स में आपका इतना आ गया आपका, तो इतने मीटर क्यूब आपका आंसर हो गया बच्चों। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब आप देखिएगा 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, 22 का टेबल मैंने आपको लर्न करा रखा है, तो ये कितना है आपका 7। अब ये क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई में चले गया और ये 4 डिवाइड में जाएगा, तो 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आर स्क्वायर है तो सामने भी जो लाना है मैंने स्क्वायर में ही लाना है, तो 7 बाई 2 का स्क्वायर हो गया, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 बाई 2 सेंटीमीटर आ गई स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 22/7 आ गया पाई के प्लेस पर, और आर के प्लेस पर 7/2 × 7/2 × 7/2। तो आप देख सकते हैं कि इस 2 से इसको कट किया तो 11, इस 2 से इसको कट किया तो 2, और इस 2 से इसको कट किया तो गया आपका बच्चा क्या, 7 से 7 गया आपका, ऊपर क्या बचा आपका 11, और 7 की 7 से हुई तो 49, और नीचे आपका 3। अब 11 की 49 से हुई तो ये आया, और नीचे आपका 3। अब 3 से इसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया, इतने सेंटीमीटर क्यूब, भी मैंने आपको दिखाया भी ये पीछे कैसे लिखते हैं ना। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की शेप में आपका, फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड उसके अंदर की तरफ है, इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस, ये इतना इतनी कॉस्ट बैठी उस पर वाइट वॉश कराने की, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज रुपीज 200 पर स्क्वायर मीटर, कितना दे रखा आपको उसने, रुपीज 200 पर क्या आपका स्क्वायर मीटर, ये उसने रेट दे रखा, ये आपको उसने टोटल कॉस्ट दी है स्टूडेंट्स आपको। फाइंड दी, क्या फाइंड करा रहा है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, बहुत आसानी से निकलेगा, फिर वॉल्यूम भी आपसे फाइंड करा रहा है। तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स इसमें क्वांटिटी इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट, तो कॉस्ट ऊपर नीचे रेट, रुपीज से रुपीज के, और ये मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना था, 200 नहीं सॉरी 2 था, है ना, 2 था स्टूडेंट्स, ये मैंने पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया, ये 2 रुपीज है, तो आप 2 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 249.48। तो आपसे सरफेस एरिया इनसाइड द डोम पूछा था, ये आपने निकाल दिया। अब आप देखिएगा ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इनसाइड अंदर वाला सिर्फ, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। कभी आप सरफेस एरिया सोचकर सोचा अच्छा टोटल लगाना है, तो देखिएगा इनसाइड वाला 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में जो था वही रहा, तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब आप देख सकते हैं इसमें कि आपने पहले किससे कट किया इसको, 2 से कट किया, तो 2 से कट किया तो ये आया, फिर आपने दोबारा 2 से कट किया तो 11, और इधर कट किया तो ये आया आपका, और आपने फिर किससे, 11 से ही कट कर दिया इसको सीधा, तो कितना है आपका 5.76 आया, और ये 7 कहाँ चला गया आपका मल्टीप्लाई में। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स इसमें कि 7 आपका मल्टीप्लाई में और ये लिखा हुआ है, और नीचे आपका 100 है, तो 100 को तो मैंने 10 × 10 लिख लिया, क्यों, क्योंकि मेरा लेफ्ट में आर स्क्वायर है ना, तो मैंने स्क्वायर में लाना है इसको। अब इनके फैक्टर्स किए तो इनके फैक्टर्स ही आ गए, तो आप देखिएगा ये 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 9 हो गया, और ये 7 × 7, तो 7 × 9 का स्क्वायर हो गया, और नीचे 10 का स्क्वायर था, तो पूरे को होल स्क्वायर में लिख दिया, तो इनकी मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया स्टूडेंट आपका, ये आया 63/10, और स्क्वायर का स्क्वायर रहा आपका, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इतने मीटर, ये आपका 6.3 मीटर, तो रेडियस आ गई आपकी। अब आप देखिएगा वॉल्यूम पूछा आपसे उसने, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द एयर इन साइड द डोम क्या होता है, 2/3 πr³, तो 2/3 22/7, और आर की वैल्यू 63/10 63/10 63/10, नीचे तो आपका ये हो गया 1000, ऊपर आपका क्या हुआ, ऊपर आप देखिएगा 3 के मल्टीप्लाई 2 से भी 6, और 6 की 22 से भी तो 132, और 63 की 63 से की तो स्क्वायर निकालने पर ये आया आपका। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी ये आया, और 1000 से डिवाइड कर दिया तो इतने मीटर क्यूब आ गया बच्चों आपका। अब आपको पता है अगर मैं ये पॉइंट के बाद दो नंबर लेना चाहता हूँ, तीसरे को छोड़ना चाहता हूँ, और जिसको मैं छोड़ रहा हूँ, जिसको लीव कर रहा हूँ, अगर वो 5 or more than 5 है, तो जो इससे पहला नंबर होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 8 है ना, इसको छोड़ दिया और यहाँ पर 1 ऐड किया, तो 0 में 1 ऐड करने पर 1 आ गया, तो इतने मीटर क्यूब अप्रोक्स, यहाँ अप्रोक्स भी लग गया क्योंकि 8 को मैंने छोड़ा है, तो यहाँ अप्रोक्स आ गया आपका। देखिएगा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9,
27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड सरफेस एरिया कैपिटल एस आर मेल्टेड टू फ्रॉम अ स्फीयर विद सरफेस एरिया क्या आपका एस डैश फाइंड दी रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर. न्यू स्फीयर की रेडियस बतानी है और रेशियो बताना है एस और एस डैश का. तो अब आप देखिएगा यहाँ मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर कितना होगा आपका 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर क्योंकि 27 को मिलाकर ये बनाया जा रहा है. तो आप देखिए ये हो गया 4/3 पाई आर डैश क्यूब. यहाँ पर 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. पाई से पाई 4/3 से 4/3 गया बचा क्या आर डैश क्यूब. और ये 27 किसकी क्यूब होती है 3 की. तो 3 आर एक जगह लिख दिया मैंने तो 3 आर की क्यूब हो गई आपकी ये. तो अब आप देखिए आर डैश इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 3 आर. आर डैश की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 3 आर आ गई. अब उसने आपसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है उसने रेशियो पूछा है एस अपॉन एस डैश का. तो ऐसे आपका सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर नीचे 4 पाई आर डैश स्क्वायर. ये 4 पाई से 4 पाई गया आर स्क्वायर और नीचे आर डैश की वैल्यू रख दी हमने कितनी 3 आर का स्क्वायर. तो ये आर स्क्वायर एज इट इज 3 का स्क्वायर किया 9 और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया आपका 1/9 बचा 1/9 यानी 1:9 हो गया आपका. देखिएगा स्टूडेंट ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी. क्वेश्चन नंबर 10 अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm मिलीमीटर. हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल. बहुत आसान है आपका डायमीटर आपको दे रखा उसने कितना 3.5 मिलीमीटर. अगर आप रेडियस फाइंड करना चाहें तो 2 से डिवाइड कर दिया ये पॉइंट हटाया यहाँ पर आपने क्या 0 लगा लिया 5 से डिवाइड किया 7 5 से किया तो 4 mm इतना आ गया. अब आप देखिएगा अमाउंट ऑफ मेडिसिन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल और कैप्सूल क्या स्फीयर है आपका है ना. तो आपने पुट कर ली वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 इंटू 22/7 आर की वैल्यू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4 आपका आपने कर लिया. ये 7 से 7 गया आपका ये आपने इससे कट किया 4 से 4 और इसको 2 से कट किया इसको आपने 2 से तो 11. अब आप देखिए 11 बचाओ 7 की 7 से तो 49 और नीचे आपका कितना है 3 2 6 और 6 4 आपका 24. अब आपने क्या किया स्टूडेंट ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दी नीचे 24 है अब इससे इसको अप्रॉक्स में डिवाइड कर दिया तो इतने मिलीमीटर क्यूब आपका आ गया आंसर. लेकिन अप्रॉक्स में क्योंकि इससे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाएगा ये. ठीक है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों.